राम मंदिर मुद्दे पर अगर कोई फैसला आता तब तो सियासत का गरमाना लाजमी था, लेकिन सियासी पार्टियों ने फैसला टलने पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। इसमें सबसे आगे बीजेपी के नेता हैं जो फैसला टलने के बाद भी राम मंदिर विवाद को सियासी रंग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शायराना अंदाज में कांग्रेस पर वार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि बदलते मौसम का परवाना हूं मैं, गुजरात में जनेऊधारी हिंदू हूं तो यूपी बिहार में मौलाना हूं मैं। राहुल के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने कपिल सिब्बल को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आज हाजी महबूब के बयान के बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि कपिल सिब्बल से सुनवाई से पहले बाबरी मस्जिद मामले में इनकी मुलाकात हुई थी, तब मामले को टालने की बात कोर्ट में कही जाए इस पर कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि कपिल सिब्बल कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से पेश हुए थे। कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील को सोनिया और राहुल का आदेश बताते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कपिल सिब्बल ने जो राम मंदिर मामले को 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई करने की बात कही थी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर ही कही थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कपिल सिब्बल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोर्ट सबसे ऊपर है, उसको कोई गाइड नहीं कर सकता है, चाहे वह सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।